भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। विभाग की अनदेखी, केसरपुरा के समीप 350 पलास प्रजाति के पेड़ों की हुई अंधाधुंध कटाई। हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन विभाग आया हरकत में। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के ग्रामीणों में दिखा काफी आक्रोश। मांडव रेंज के लवानी अंतर्गत ग्राम पंचायत उखलदा के बिट क्रमांक 244 के सरपुरा के समीप वन विभाग की जमीन पर बुधवार रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा भारी भारी पलाश के 350 पेड़ों की बलि की गई। सूचना मिलने पर वन विभाग मांडव रेंज के अधिकारी रात्रि में मौके पर पहुंचे। इधर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। इधर मनावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बाद विधायक द्वारा जिला कलेक्टर धार एवं डीएफओ धार को अवगत कराने के बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया एवं तत्काल इंदौर धार मांडव धामनों की वन विभाग की टीम के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार लवानी रेंज के अंतर्गत केसरपुरा फाटा के समीप अज्ञात लोगों द्वारा बुधवार रात्रि को पलाश प्रजाति के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग मांडव के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना दी गई, वैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं रात्रि गश्त कर निगरानी रखी गई। एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर लाखों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पिछले काफी समय से पाठामोटी महादेव खोदरा सहित आसपास जंगलों में की जा रही है, लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे अज्ञात लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पूर्व में भी ग्राम पाठामोटी के बिट क्रमांक 246 पर सागवान के पेड़ों की बलि बड़े पैमाने पर की गई थी, जिसको लगभग एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सूत्रों की माने तो उमरबन क्षेत्र में अवैध पेड़ पौधों की बलि जमीन पर कब्जा करने को लेकर किया जा रहा है, जो विभाग के अधिकारी को पता चलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करना कहीं ना कहीं विभाग की मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। इस घटनाक्रम में धार मुख्यालय से वन विभाग के SDO धन सिंह मीणा, CCF इंदौर की टीम के वनपाल दुर्गेश सिंह कुशवाहा सहित मांडव रेंज के अधिकारी धामनोद धार के लगभग 30 से 35 कर्मचारियों द्वारा घटनास्थल पहुंचकर पेड़ों की गिनती कर उन पेड़ों को इकट्ठा कर धार डिपो में भिजवाया गया। जफर अली की रिपोर्ट। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कक्ष क्रमांक 244 में रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध कटाई जलाव प्लास की कटाई की गई है, जो मुर्गियों का पता नहीं लग रहा है, लेकिन पता जल्दी चल जाएगा। जलाव लकड़ी अवैध कटाई जब तक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर। सर ये झाड़ कितने होंगे, आसपास कितने झाड़ कटे होंगे? ये करीब 300-350 झाड़ है। अच्छा 350। तो ये कितनी बीघा में है कि कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसा मामला है? ये करीब एक डेढ़ हेक्टर में। डेढ़ हेक्टर में। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम धन सिंह मेड़ा, SDO फॉरेस्ट धार। तो सर ये मामला कब की बात है? ये कल रात्रि की बात है। अच्छा कल रात्रि की बात है, ठीक है, धन्यवाद सर। मनावर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से एक पेड़ कटाई का एक गंभीर मामला सामने आया है। हमने कई बार इस संबंध में जिलाधीश महोदय, हमारे DFO और समस्त जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी कई बार SDM से लेकर तहसीलदार तक सूचित किया। कल उमरबन में जो सुराणी लवाणी और केसरपुरा के आसपास के जो कई जगह पेड़ कटे हुए मिले, 150 से 200 के लगभग पेड़ कटे हुए मिले। एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ अवैध रूप से कटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी सूचित करने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ये भारी लापरवाही है। आज सुबह हमने धार कलेक्टर रेणुका मिश्रा जी और DFO धार DFO को भी सूचना किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि मनावर विधानसभा क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध, और ये पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, ये कहीं ना कहीं राजस्व भूमि पर भी जो पेड़ है उनको भी काटा जा रहा है, तो इसके लिए वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों कार्रवाई करें। इसके लिए दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से धार जिले के कलेक्टर और SDM को होना चाहिए, ताकि अवैध पेड़ कटाई को रोका जा सके। आपके गाँव शहर
प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।